गाइस वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका एक बार फिर से जुडिशरी वर्ल्ड के इस चैनल में। तो देखिए जुडिशरी वर्ल्ड में आज मैं बात करने वाला हूं आपके साथ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के बारे में। तो भाइयों ये एक डेमो क्लास है और डेमो क्लास में आपको आज ये पता चलेगा कि जुडिशरी वर्ल्ड में अन अकेडमी पे हम आपकी जो क्लासेस होते हैं वो एग्जैक्टली किस वे में कराते हैं। देखिए आपके कुछ एग्जाम्स भी अभी नजदीक हैं, उन एग्जाम्स को साइड में रखते हुए वो बच्चे जो अपनी डिटेल्ड प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी डिटेल्ड प्रिपरेशन से मेरा मतलब है जिनके पास अभी साल एक साल का समय है एटलीस्ट, और वो एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच के अंदर, एक फाउंडेशन बैच के अंदर अन अकेडमी से जुड़े हुए हैं, ऐसे बच्चों के लिए हम क्लासेस किस प्रकार से कराते हैं इसके बारे में एक जानकारी आपको आज मिल जाएगी। तो एग्जैक्टली डेमो क्लास में आप देखिए कि हम कैसे क्लास के अंदर पढ़ाई कराते हैं। तो इससे पहले कि स्टार्ट करें एक बार जल्दी से बता दीजिए मेरी वॉइस आप तक आ रही है। हाँ जी, गुड इवनिंग रूहानी, गुड इवनिंग अभिषेक, एक बार बता दीजिए मेरी वॉइस आप लोगों तक आ रही है अच्छे से बढ़िया से। फिर स्टार्ट करेंगे आपका ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। हाँ जी चलिए स्टार्ट करते हैं आपका ये डेमो क्लास ऑन सीआरपीसी या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो बच्चों इससे पहले कि हम स्टार्ट करें प्रोसीजर के बारे में कुछ पढ़ना, पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये जो वर्ड प्रोसीजर है, ये वर्ड प्रोसीजर का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली, ये किस चिड़िया का नाम है या ये होता क्या है, क्या क्या समझते हैं हम इस प्रोसीजर वर्ड से, तभी हमें समझ में आएगा कि ये प्रोसीजरल लॉ क्या होता है और ये क्रिमिनल प्रोसीजर क्या होता है। तो भाई अगर मैं बात करूं प्रोसीजर की, तो आपका ही एक एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं हम। आप में से यहाँ पे जितने लोग अभी मौजूद हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं, आई थिंक आप में से 99.99% बच्चों का यही एम होगा कि आपको अल्टीमेटली क्या बनना है, जज बनना है। तो भाई देखो जज बनने के लिए आपने कुछ करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा कोई बताएगा? आपने पहले एक एम बना लिया है, आपने एक ड्रीम बना लिया है, और इस ड्रीम के एंड में क्या है, ड्रीम के आपके इस एंड में है टू बी अ जज। क्या सिर्फ ड्रीम बना लेने से आप उस ड्रीम को अचीव कर लेंगे? क्या उस ड्रीम को अचीव कर लेंगे सिर्फ ड्रीम बनाने से? नहीं, बीच में कुछ ना कुछ चीजें आपको जरूर करनी पड़ेंगी, और वो क्या होंगी, कुछ चीजें करनी पड़ेंगी जैसे कि जब वैकेंसी आती है उस वैकेंसी के अंदर आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अभी फॉर्म फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना पड़ेगा, एग्जाम जब भी होगा एग्जाम में अपीयर करना पड़ेगा, और सिर्फ अपीयर ही नहीं इस एग्जाम को क्वालिफाई भी करना पड़ेगा। और इस एग्जाम के तीन स्टेजेस हैं जैसा कि हम जानते हैं, प्री मेंस एंड इंटरव्यू, वो सब क्वालिफाई करने के बाद कुछ आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सही होने चाहिए, मेडिकल टेस्ट होगा आपका, इसके बाद फाइनली आप कहीं जा करके अपॉइंटमेंट मिलने के बाद जज बनेंगे। अब बीच में आप देख रहे हैं ये जो प्रक्रिया है ना, ये सारा जो प्रोसेस बीच में किया गया है इसको हम प्रोसीजर कह सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द प्रोसीजर टू बी अ जज, सो दिस इज द प्रोसीजर टू बी अ जज। वैसे ही अगर मैं एग्जाम्पल ले लूं सीआरपीसी के अंदर, तो ये किस बारे में बात कर रहा होगा? देखिए यहां पे हम बात करते हैं मेनली ऑफेंस के बारे में, और अल्टीमेट एम हमारा क्या है, अल्टीमेट एम इज जस्टिस। अब एक ऑफेंस के रिलेशन में जस्टिस हमारा एंड जो है अचीव करना है, इसके लिए जो प्रोसीजर अपनाना पड़ता है वही प्रोसीजर हमें पता चलता है सीआरपीसी के अंदर। तो प्रोसीजर एक्चुअली क्या हो गया, दैट एक्चुअल प्रोसेस विच यू हैव टू फॉलो टू डू समथिंग, प्रोसेस टू डू समथिंग और टू अचीव समथिंग, ये हो गई आपकी सिंपल सी बात। देखिए टू डू समथिंग और टू अचीव समथिंग, अब यहां ड्रीम या एम के साथ मैंने ऑफेंस इसलिए लिख दिया है कि भाई जैसे यहां पे आपका फर्स्ट एम है, फर्स्ट स्टेप है ड्रीम को बनाना, एम को बनाना, वैसे ही सीआरपीसी के लिए सबसे पहला स्टेप होता है किसी ऑफेंस की एलिगेशन आना, किसी ऑफेंस का कमिट होना, इसके बाद ही सीआरपीसी पिक्चर के अंदर आती है। और जैसे कि ड्रीम देखना बिना कुछ किए, बिना किसी प्रोसेस के या प्रोसीजर के एक ऑफेंस ही है, इसीलिए मैंने यहां ड्रीम के साथ ऑफेंस लिखा हुआ है। तो भाई देखिए बात आपको यहां तक की ये थी कि प्रोसीजर शब्द के अंदर क्या आता है। अब ये प्रोसीजरल लॉ क्या होता है, लॉ के अंदर, किसी भी लॉ के अंदर आपको जो राइट दिया हुआ है ना, वो राइट दे देना सफिशिएंट नहीं है,
इस राइट को किसी ना किसी तरीके से एप्लीकेशन में लाना भी जरूरी है। अब आपके इन राइट्स को जो एप्लीकेशन में लेकर के आता है वही राइट, वही लॉ प्रोसीजरल लॉ कहलाता है। और जो राइट, जो लॉ आपको राइट्स देता है वो सब्सटैंटिव लॉ होता है। इजी सी डेफिनेशन के अंदर अगर हम इस बात को समझे तो, अब देखिए मैं बात करूं जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई आपका एक सब्सटैंटिव राइट है कि आपको कोई थप्पड़ ना मारे, ठीक है भाई, आप रोड पे जा रहे हो, कोई आप अपना हाथ घुमा करके आपके गाल पे ये थप्पड़ ना लगा दे, ये आपका एक राइट है, ये अधिकार है। और इस अधिकार को एक्सरसाइज अगर आपने कराना है तो आपको कुछ करना पड़ेगा। भाई देखो कि अगर अगर आपका ये राइट है कि कोई आपके गाल पे थप्पड़ ना मारे और कोई थप्पड़ मार देता है, जड़ देता है, तो इसके लिए क्या होगा, कोई रेमेडी बताई गई होगी। और रेमेडी किस फॉर्म में बताई गई होगी आपके सब्सटेंटिव राइट से रिलेटेड, यहां पे पनिशमेंट के फॉर्म में एक रेमेडी बताई हुई है। अब इस पनिशमेंट के फॉर्म में जो रेमेडी बताई है ना, यहां तक आप पहुंचोगे कैसे, इस यहीं तक पहुंचने के लिए इस सब्सटेंटिव राइट से रिलेटेड एक प्रोसीजर बताया गया होगा। चाहे चाहे ये हम क्राइम की बात कर रहे हो, ऑफेंस की बात कर रहे हो, तो ये क्रिमिनल प्रोसीजर हो जाएगा। अगर हम सिविल राइट्स की बात आप कर रहे हैं आपकी, तो फिर ये एक सिविल प्रोसीजर हो जाएगा। तो दोनों तरीके के प्रोसीजर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हमारा यहाँ पे जो कंसर्न है वो क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर से हमारा कंसर्न यहाँ पे होने वाला है। अब एग्जैक्टली ये क्रिमिनल प्रोसीजर कैसे काम करता है, क्या काम करता है और पूरा इसका स्ट्रक्चर या स्केलेटन क्या है, इसको समझेंगे हम आगे। अब देखिए इसको समझने के लिए सबसे जरूरी बात या सबसे इजी बात, हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग सभी को, ठीक है सुमित, बिल्कुल कोशिश करेंगे। अच्छा चलिए, सुमित का कहना है हमसे जो सीआरपीसी नहीं पढ़ेगा पछताएगा, चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट सुमित। अब देखो इसमें बात करते हैं हम, अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि सीआरपीसी को पूरा स्केलेटन या पूरा प्रोसेस समझने के लिए अगर हम सिर्फ डेफिनेशन पोर्शन पढ़ लें, इसका सिर्फ डेफिनेशन पोर्शन पढ़ लें, तो यहां से हमें सीआरपीसी का पूरा स्केलेटन समझ में आ सकता है। तो क्या आप विश्वास करेंगे मेरी बात पे? अगर आप विश्वास नहीं कर रहे मेरी बात पे, तो मैं अभी आपको थोड़ी देर में प्रूफ करने वाला हूं कि डेफिनेशन को समझते हुए और डेफिनेशन को याद करते हुए आप अपने पूरे सीआरपीसी के प्रोसेस को समझ सकते हैं, जो एक बेयर प्रोसेस है, एक स्केलेटन है सीआरपीसी का, इसको इजीली आप समझ लेंगे। और आज की ही क्लास में साथ ही साथ जो लोग पहली बार मेरे साथ सीआरपीसी पढ़ रहे हैं वो लोग सीआरपीसी की सारी डेफिनेशंस को याद भी कर लेंगे। यही दिक्कत होती है ना कि यार डेफिनेशंस हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन याद नहीं होता है। आज की क्लास में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको डेफिनेशंस याद भी हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एक्चुअल में। और उसको स्टार्ट करने से पहले भाइयों एक छोटी सी इंफॉर्मेशन कि सारथी 6.0 बैच स्टार्ट हो चुका है। इस बैच के अंदर जिन लोगों ने एडमिशन लेना है बिल्कुल लीजिए, ये बैच स्टार्ट हो चुका है 20th से। इसके अंदर ज्वाइन करने के लिए और डिस्काउंट पाने के लिए आपको क्या करना है, फीस में रिलैक्सेशन के लिए कोड लगाना है। इस कोड के बाद आप इजिली इस बैच को परचेज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे वे में कर सकते हैं। अभी एक और बहुत ही बढ़िया दोस्तों आपके लिए ऑफर है कि आपको जो भी प्रिंटेड नोट्स हैं हार्ड कॉपीज वो मिल रही हैं उन 50 स्टूडेंट्स को जो सब्सक्राइब करने वाले हैं अभी से। तो जो पहले 50 सब्सक्राइबर्स होंगे, चाहे वो प्लस कोर्स के ही क्यों ना हो, पहले आपको पता है कि ये प्रिंटेड नोट्स सिर्फ आइकॉनिक बैच के बच्चों को दिए जाते थे, अब ये वाले जो नोट्स हैं ये प्लस इस प्लस क्लास के स्टूडेंट्स को भी दिए जाएंगे, प्लस के बैच के भी स्टूडेंट्स को। तो आप इन इस ऑफर का अभी फायदा बहुत अच्छे से उठाइए। अगर आप सब्सक्रिप्शन करना चाहते हैं तो तुरंत कीजिए, जल्दी कीजिए, क्योंकि फर्स्ट 50 सब्सक्राइबर्स के लिए ही ये है। आइए अब चलते हैं हम लोग सीआरपीसी के ऊपर। तो रेडी है सब लोग सीआरपीसी के ऊपर जाने के लिए, सीआरपीसी को समझने के लिए, और डेफिनेशन के साथ पढ़ेंगे कि ये सीआरपीसी एक्चुअल में वर्क कैसे करती है। तो मेरे पीछे आप एक इमेज देख रहे होंगे, चलिए देख लीजिए एक बार आप इमेज, फिर मैं आपसे बात करता हूं। इस इमेज के अंदर दिखाई दे रहा है कि भाई एक व्यक्ति है और इस व्यक्ति ने क्या किया है, यहां से किसी का मोबाइल फोन टपा लिया, ठीक है, एक थेफ्ट यहां पे कमिट किया जा रहा है, ठीक, थेफ्ट का ऑफेंस हो रहा है। ये कौन है, ये हमारे सुमित भाई साहब हैं। अभी अभी उन्होंने आईफोन 14 लिया है, नया आईफोन 14 प्रो लिया, और लेते ही थोड़ी सी चपत लग गई
और जैसे ही पॉकेट में डाल करके ये जा रहे थे बाहर, और इनका फोन ये चोरी हो जाता है। अभी तक इन्होंने वो वाली सेल्फी भी नहीं खींची थी जो मिरर के सामने खड़े होकर के खींचते ना आईफोन के साथ, वो वाली अभी इन्होंने ली नहीं थी सेल्फी। अब इसके बाद देखिए, जब ये इनके साथ घटना हो गई है, इस घटना के बाद क्या होगा, ये सब कुछ आप समझ सकते हैं सिर्फ सीआरपीसी की डेफिनेशन से और अपने कॉमन सेंस से। कॉमन सेंस लगाइए, डेफिनेशंस मैं बताता हूं साथ में, सब कुछ याद हो जाएगा बिना किसी टेंशन, बिना किसी परेशानी के। देखिए आगे क्या होने वाला है। थेफ्ट होगा। अब थेफ्ट के बाद जल्दी से मुझे बताना कि यहां पे सुमित क्या करेंगे। कॉमन सेंस है जो हमने सीआरबीसी नहीं पढ़ रखी अभी, सब लोग बताओ कॉमन सेंस है कि क्या होगा, जो आपने पिक्चरों में देख रखा है या सुन रखा है कहीं पे, क्या होना चाहिए। सबसे पहले ये सुमित भाई साहब देखेंगे कि इनके साथ एक ऑफेंस हो चुका है। क्या हो चुका है? अपराध हो चुका है। ठीक, अब इस ऑफेंस पे आएंगे। ऑफेंस क्या है? 2N के अंदर डिफाइंड है सीआरपीसी के अंदर। कौन सी डेफिनेशन में है? 2N के अंदर डिफाइंड है सीआरपीसी के अंदर। और ये बताता क्या है हमें? ये बताता है कि कोई एक्ट है या ओमिशन है विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ एंड पनिश्ड बाय लॉ। क्या है ये? ऐसा एक्ट है, ऐसा एक्ट है या फिर ओमिशन है जिसको कि प्रोहिबिट एंड पनिश किया गया है, विच इज प्रोहिबिटेड एंड पनिश्ड बाई, दो बातें हो गई, बाई एनी लॉ फॉर द टाइम बींग इन फोर्स। एफ टी बी में लिख देता हूं जहां पे भी लिखा हुआ है फॉर द टाइम बींग इन फोर्स। अब जब इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई मेरे साथ एक ऐसा एक्ट कमिट हो गया है विच इज प्रोहिबिटेड बाई लॉ, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि आपके पास कोई सामान है, कोई चीज है जो आपकी एक प्रॉपर्टी है, इस पे पोजीशन टाइटल सब कुछ आपका है, और ये आपसे कोई छीन ले, तो ये एक्ट या ओमिशन प्रोहिबिटेड बाय लॉ तो है। ऐसा तो नहीं कि ये परमिटेड बाय लॉ कि कोई आए और जबरदस्ती आपके साथ ये छीन ले, क्योंकि ये सिविलाइज सोसाइटी, और सिविलाइज सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर के अंदर ऐसी चीजें नहीं हो सकती हैं। अब देखिए इसके बाद होगा क्या। कॉमन सेंस से आप ये सोच करके देखिए कि जब भी किसी के साथ ऐसा होता है तो वह व्यक्ति सबसे पहले कहां जाएगा? सबसे पहले इन्फॉर्म करेगा किसी पुलिस को, और उसके लिए उसको कहां जाना पड़ेगा? पुलिस स्टेशन के अंदर। देखिए तो हमारे सुमित भाई साहब कहां जाएंगे? पुलिस स्टेशन के अंदर जाएंगे। अब पुलिस स्टेशन की जो डेफिनेशन है ना वो यहीं से है, पी अब टू के अंदर एस जो है यहां से याद कर लेते हैं, जो स्टेशन एस से लिखते हैं इसी से डेफिनेशन याद कर लीजिए इसकी, कि स्टेशन पुलिस स्टेशन आपका 2S के अंदर दिया हुआ है। अब ये पुलिस स्टेशन क्या होता है? पुलिस स्टेशन भाई देखिए कोई एक पोस्ट या प्लेस, कोई एक पोस्ट या प्लेस होती है, ऐसी कोई पोस्ट या फिर प्लेस जिस पोस्ट या प्लेस के अंदर क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट ने इसको नोटिफाई कर रखा होगा किसी पोस्ट या प्लेस को, जनरली या स्पेशली एज पुलिस स्टेशन, जनरली या स्पेशली इसको एज ए पुलिस स्टेशन डिक्लेयर कर दिया गया होगा। और आपको पता होगा कि भाई देखो ये एक एरिया है, इसको कहते हैं पुलिस स्टेशन। तो पुलिस स्टेशन जनरली क्या होता है? पुलिस स्टेशन वो बिल्डिंग नहीं है, वो बिल्डिंग जो आप देखते हैं ना, वो चार कमरों की एक बिल्डिंग जिसके अंदर लिखा होता है कि पुलिस थाना फला फला जगह, यानी कि जैसे आपने देखा होगा पुलिस स्टेशन कोतवाली, पुलिस स्टेशन सिविल लाइंस, पुलिस स्टेशन फला फला एरिया, ये वो बिल्डिंग पुलिस स्टेशन नहीं है। वो तो उसका एक, आप कह सकते हो कि वो एक ऑफिस है जहां पे वहां के लोग काम करते हैं। पुलिस स्टेशन तो एक एरिया होता है। पुलिस स्टेशन क्या होता है? एक एरिया होता है जिस एरिया के अंदर कुछ काम किए जा सकते हैं, जो सीआरपीसी के अंदर बताए हुए हैं वो काम किए जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो उस एरिया के अंदर पावर रखते हैं वो काम करने के लिए। ये जो पुलिस वाले किसी स्टेशन से अगर अटैच्ड है, मान लीजिए कि 10 पुलिस वाले हैं, 10 पुलिस ऑफिसर्स एक पुलिस स्टेशन सिविल लाइन से जिससे अटैच्ड है, तो सिविल लाइन्स के अंदर होने वाले सारे अपराध के ऊपर वो कुछ ना कुछ एक्शंस ले सकते हैं जो सीआरपीसी उनको बताती है। अब देखिए ये बात क्या हो गई कि पुलिस स्टेशन से रिलेटेड पुलिस स्टेशन होगा। पुलिस स्टेशन में भाई साहब पहुंच गए, सुमित भाई साहब कहां पहुंच गए? पुलिस स्टेशन के अंदर पहुंच गए। अब पुलिस स्टेशन के अंदर पहुंचने के बाद क्या होगा? देखो यहां पे इनको मिलेगा एक पुलिस ऑफिसर, कई सारे मिलेंगे वैसे तो, लेकिन यहां पे किस पुलिस ऑफिसर के पास इनको जाना है? सीआरपीसी कहती है कि ये हमारे जो सुमित भाई साहब हैं इनको जाना है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास। किसके पास जाना है? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास। ये डेफिनेशन कहां है?
2O के अंदर है, यहीं से याद कर लेना इसको, 2O के अंदर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है। अब सीआरपीसी क्या कहती है, भाई जिस भी व्यक्ति को ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन डेजिग्नेट किया गया है वो होगा ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, और उसकी अनुपस्थिति में वो अगर प्रेजेंट नहीं है तो जो भी नेक्स्ट इन रैंक है, जो भी सीनियर मोस्ट ऑफिसर अभी उस स्टेशन हाउस के अंदर बचा हुआ है उसको ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन समझ लेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ, यहां से तो कुछ खास बातें समझ में हमें आती नहीं है। देखिए अगर मैं पुलिस के अंदर बात करूं ना तो आपको कुछ रैंक्स दिखाई देती हैं, जैसे आप मान लीजिए कि आपको डीजीपी दिखाई देता है, आपको आईजीज दिखाई देते हैं, आपको डीआईजीज दिखाई देते हैं, आपको एसएसपीज दिखाई देते हैं, एसपी बहुत सारी दिखाई देते हैं, इसके बाद आपको डीएसपीज दिखाई देते हैं या फिर सर्कल ऑफिसर्स, इसके बाद आपको दिखेंगे एसएचओ या फिर एसओ, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट की किस डेजिग्नेशन से इनको पहचाना जाता है, स्टेशन हेड ऑफिसर या स्टेशन ऑफिसर, और दिखेंगे कौन से एसआईज दिखेंगे, एएसआईज दिखेंगे, कॉन्स्टेबल्स दिखेंगे। देखिए इतनी सारी रैंक आपको, ये जनरली आप जानते हैं, इतनी सारी रैंक जानते हैं। अब इनमें से ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन कौन है भाई, भाई देखिए पुलिस स्टेशन जो होता है ना वो यहां तक के लोग एक पुलिस स्टेशन के अंदर होते हैं, सॉरी यहां तक, ये जो एसएचओ एसओ आप देख रहे हो यहां तक के जो लोग हैं वो एक पुलिस स्टेशन से अटैच्ड होंगे, सिर्फ एक पुलिस स्टेशन से अटैच्ड होंगे। अब ये जो आप देख रहे हो ना एसओ, ये कोई इंस्पेक्टर रैंक का ऑफिसर होगा, इसको एसओ या एसएचओ बना देंगे, और इसी को सीआरपीसी किस नाम से पहचानती है, इसी को सीआरपीसी पहचानती है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के नाम से, किस नाम से, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के नाम से इसको पहचाना जाता है। ठीक, एक बात हो गई। अब इसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। अब जब सुमित भाई साहब इनके पास जाएंगे और इनसे अपनी घटना के बारे में बताएंगे, क्या बताएंगे, अपनी घटना के बारे में कि मैं रोड पे जा रहा था, बेलपुरी खा रहा था, लेकिन क्या हुआ, मेरा नया नया आईफोन 14 ये चोरी हो गया। अब इस आईफोन 14 के चोरी हो जाने की सूचना क्या देंगे, इंफॉर्मेशन इस पुलिस ऑफिसर को दे देंगे। अब ये पुलिस ऑफिसर जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है, अब ये कौन से स्टेट में जा रहे हैं, उसको किस नाम से पहचाना जाता है एग्जैक्टली, वो डिफर करेगा, लेकिन सीआरपीसी ने ये सब भेदभाव नहीं रखा, उसने कॉमन नाम दिया है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। अब यहां पे थानेदार साहब जो हैं उनके सामने जब इंफॉर्मेशन आती है, इसके बाद वो इंफॉर्मेशन के बाद क्या करेंगे, मेन काम जो इनको करना है वो है इन्वेस्टिगेशन। देखिए मेन जो इनका काम है वो इनको करना है इन्वेस्टिगेशन का काम। अभी इन्वेस्टिगेशन का काम करने के लिए इनको दो चीजें पहले पहचानना जरूरी है। क्या पहचानना जरूरी है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये ऑफेंस किस नेचर का है। ये जो ऑफेंस हमने स्टार्टिंग में देखा था ना, ये ऑफेंस किस नेचर का है, ये दो बातें पहचानना जरूरी है इनके लिए। पहली बात ये देखेंगे कि ऑफेंस किस तरीके का है, किस नेचर का है, तो उसके लिए बताया गया हमें, देखिए ऑफेंस आपके दो कैटेगरी, इनमें से किसी एक कैटेगरी का हो सकता है, एक कॉग्निजेबल और दूसरा नॉन कॉग्निजेबल। ठीक है, तो देखिए कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए क्या करेगा ये पुलिस ऑफिसर, ये देखेगा कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर होगा, जो भी ऑफेंस हुआ है यहां पे कमिट, अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो फिर ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाएगी। यहां पे सारी पावर्स उसके पास इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने की, किसी से परमिशन लेने की जरूरत उसने नहीं है, वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देगा, सीआरपीसी आपको ये बताती है, यानी कोर्ट से परमिशन लेने की जरूरत यहां पर नहीं है। कोर्ट उसको ये नहीं कहेगी कि इन्वेस्टिगेशन करो, हम परमिट करते कि इन्वेस्टिगेशन करो, उसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन करेगा। लेकिन अगर तो ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तो फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या चाहिए होगी, परमिशन चाहिए होगी। देन इन्वेस्टिगेशन के लिए आपने चाहिए परमिशन मैजिस्ट्रेट की, कोर्ट की, उसके बाद ही आप आगे इन्वेस्टिगेशन से प्रोसीड कर सकते हैं। अब देखो ये जो दो ऑफेंसेज है कहां कहां डिफाइंड है, 2C के अंदर ये cognizable offense defined है और 2L के अंदर ये non-cognizable offense defined है। लेकिन ये होता क्या है भाई, cognizable offense और non-cognizable offense होता क्या है, definition तो ये बताती है कि
कि जिस ऑफेंस के लिए पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। जिस ऑफेंस के लिए पुलिस ऑफिसर नहीं अरेस्ट कर सकता विदाउट वारंट, वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। लेकिन एक ऑफेंस कॉग्निजेबल है या फिर नॉन कॉग्निजेबल है, इसको कैसे समझेंगे, इसको कैसे पहचानेंगे, बताइए इसको कैसे पहचानेंगे। यहां पे क्या हुआ था हमारे साथ, थेफ्ट हुआ था। ऑफेंस क्या हुआ था सुमित के साथ, थेफ्ट का ऑफेंस। कौन से सेक्शन में पनिशेबल है, सिंपल 379 में मान लेते हैं हम पनिशेबल है। अब ये कैसे पता चलेगा कि ऑफेंस कैसा है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमें सीआरपीसी का ही शेड्यूल देखना पड़ता है, शेड्यूल वन के अंदर क्या सीआरपीसी हमें बताती है, ये बताती है कि भाई कोई भी ऑफेंस, वहां पे ना ऐसे एक लिस्ट बनी हुई है, इस लिस्ट के अंदर बताया गया है कि ये ऑफेंस कॉग्निजेबल होगा या नॉन कॉग्निजेबल होगा। तो लेट्स से आपको सारे आईपीसी के ऑफेंसेस के साथ 379 लिखा हुआ मिलेगा। अब 379 के आगे लिखा होगा कि भाई ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बिलेबल ऑफेंस है, ट्रैवल बाई मैजिस्ट्रेट, एनी मैजिस्ट्रेट, और इसके साथ साथ क्या है, पनिशमेंट लिखा होगा, थेफ्ट लिखा होगा, पनिशमेंट लिखा होगा 3 years ऑफ इंप्रिजनमेंट और फाइन और बोथ, ठीक है। अब जब पुलिस ऑफिसर यानी कि इस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ने जब शेड्यूल के अंदर देखा ये जो चोरी का ऑफेंस है वो तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, अब इसके बाद वो क्या करेगा, अब इसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन से प्रोसीड करेगा। अब उसको क्या करना है, इन्वेस्टिगेशन से प्रोसीड करना है। इन्वेस्टिगेशन में वो क्या करेगा और इन्वेस्टिगेशन क्यों करेगा वो, ये हमें इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन बता देगी या समझा देगी। इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है, अच्छा इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड बाय द पुलिस ऑफिसर, और इसका पर्पस क्या है, पर्पस है कलेक्शन ऑफ एविडेंस, कलेक्शन ऑफ एविडेंस। अच्छा इसमें एक छोटी सी बात और है कि पुलिस ऑफिसर के अलावा एक अदर पर्सन भी, कोई और पर्सन भी हो सकता है जो इन्वेस्टिगेशन कर ले, कर सकता है, और उसको कोर्ट अगर बोलती या कोर्ट परमिट करती है इन अर्जेंट केसेस या इन इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, तो अदर पर्सन भी इन्वेस्टिगेशन करता है, उसको साइड में रख करके चलते हैं अभी, सिर्फ पुलिस सिर्फ पुलिस ऑफिसर पे बात करते हैं। ये जो पुलिस ऑफिसर है ये क्या करेगा, कलेक्शन ऑफ एविडेंस करेगा इन्वेस्टिगेशन के अंदर। कलेक्शन ऑफ एविडेंस करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, यहां पे देखिए, कलेक्शन ऑफ एविडेंस करने के लिए उसको इस व्यक्ति से पूछताछ करनी पड़ेगी ना, पहले तो सुमित भाई साहब से पूछताछ होगा, यहाँ पे जो हमारे सुमित भाई साहब है इनसे पूछताछ होगा, और इनकी पूछताछ के बेसिस पे ये पता चलता है, क्या पता चलता है कि यार मैं मार्केट में था और वहां पे मेरा फोन चोरी हो गया, लास्ट मुझे पता है कि मार्केट के अंदर मेरे पास फोन था, वहां तक था, उसके बाद चोरी हो गया। अब ये पुलिस ऑफिसर क्या करता है, मार्केट के अंदर जाता है, मार्केट के अंदर जाता है, और मार्केट के अंदर जाने के बाद उसको क्या पता चलता है कि एक अक्यूज्ड है, एक अक्यूज्ड है, यहाँ पे एक महिला है जिसने ये फोन इनका चोरी किया है, ठीक है। अब सुमित तुम्हारी कोई एक्स गर्लफ्रेंड तो नहीं है ना जिसने ये काम किया हो तो इन महिला ने जब फोन चुराया सुमित का, इनके साथ क्या करेगा पुलिस ऑफिसर, इनको करेगा अरेस्ट, ठीक है। एक छोटी सी बात, क्योंकि ये महिला है तो महिला पुलिस ऑफिसर का होना जरूरी है, जो कि आगे सीआरपीसी में हमें पता चलेगा, लेकिन मान करके चलते हैं कि ये जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है ये भी महिला ही है, वुमेन मान लेते हैं इसको, ठीक है। चलिए अब देखिए ये पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, इनका अरेस्ट करेगा, अरेस्ट करेगा, अरेस्ट करने के बाद क्या करेगा, इनको लेकर के आएगा पुलिस स्टेशन के अंदर, वापस पुलिस स्टेशन के अंदर लेकर के आएगा। अब पुलिस स्टेशन के अंदर लाने के बाद, ये पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन के अंदर लाने के बाद ये व्यक्ति, ये जो अक्यूज्ड है, वो यहां पे रहेगा पुलिस लॉकअप के अंदर, या फिर इसको यहां पे पुलिस ऑफिसर बेल दे देगा, इसको पुलिस ऑफिसर क्या दे देगा, बेल दे देगा, और या फिर पुलिस ऑफिसर इसको इन्फॉर्म करेगा कि भाई देखो तुम्हारा बेल का अधिकार है यहां पे, तुम बेल ले सकते हो, बेल के लिए प्रिपेयर हो जाओ, इवन कोर्ट से भी तुम बेल ले सकते हो, गेट प्रिपेयर्ड फॉर द बेल। ऐसा क्या हर सिचुएशन में करेगा या फिर किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर करेगा ये पुलिस ऑफिसर?
पुलिस ऑफिसर जो है ऐसा एक सिचुएशन के अंदर करेगा जब ये ऑफेंस बेलेबल ऑफेंस होगा। कैसा ऑफेंस होगा? बेलेबल ऑफेंस होगा। तो अगेन ऑफेंसेस की क्या होती है? दो और कैटेगरीज होती हैं। ये किस पे बेस्ड है कि पर्सन को लिबर्टी पे रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, ये ऑफेंसेस को बनाते हैं बेलेबल या नॉन बेलेबल। 2A के अंदर सबसे पहली डेफिनेशन जो हमें पता चलती है वो बेलेबल और नॉन बेलेबल दोनों तरीके के ऑफेंसेस की पता चलती है, बेलेबल और नॉन बेलेबल। अच्छा, बेलेबल ऑफेंस में क्या होगा कि उसको बेल मिल जाएगी, उसको बेल मिल सकती है। नॉन बेलेबल में क्या होगा? बेल नहीं मिलेगी। नॉन बेलेबल में क्या होगा कि नॉन बेलेबल में पुलिस ऑफिसर, नॉन बेलेबल में उस व्यक्ति जिसने ये अपराध किया है नॉन बेलेबल ऑफेंस का, उसकी बेल होगी या नहीं होगी, ये डिसीजन सीधे किसका होता है? कोर्ट का। कोर्ट के डिस्क्रिशन के ऊपर बात होगी कि इस मैटर में इस व्यक्ति को बेल दिया जाए या फिर बेल नहीं दी जाए। एक बात ये हो गई। बेलेबल ऑफेंस में क्या होगा? बेलेबल ऑफेंस में उसका अधिकार है, उसका राइट है, जैसे ही वो तैयार हो बेल देने के लिए, यानी वो जो कोर्ट अमाउंट डिसाइड करती है या जो पुलिस ऑफिसर अमाउंट डिसाइड करता है वो फर्निश करने के लिए वो तैयार है, वो जमा करने के लिए तैयार है। लेट्स से 50,000 रुपीज के लिए बेल दी जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी 50,000 की वो जमा करने के लिए तैयार है, एक बॉन्ड भरने के लिए तैयार है, और प्लस श्योरिटीज अगर कोई मांगे गए हैं कि दो गारंटर भी ले आओ अपने लिए जिनको श्योरिटी कहा जाता है, वो लाने के लिए भी तैयार है, वो सब कुछ तैयार है, तो फिर उसको रखा नहीं जाएगा जेल में, उसको बेल दे करके छोड़ दिया जाएगा। लेकिन ये कौन से केसेस में होगा? सिर्फ बेलेबल ऑफेंसेस में होगा। नॉन बेलेबल में जब कोर्ट उसको बेल ग्रांट कर देगी, जब कोर्ट उसको बेल ग्रांट कर देगी एज पर हिज डिस्क्रिशन, एज पर इट्स डिस्क्रिशन, उसके बाद इस व्यक्ति को फिर ये प्रोसेस करना पड़ेगा, बेल देने वाला, बॉन्ड भरने वाला, श्योरिटी लाने वाला। इसके बाद इस व्यक्ति को लिबर्टी पे छोड़ा जाएगा और उसको बाहर जाना पड़ेगा, मतलब बाहर वो जा सकता है, उससे पहले नहीं जा पाएगा। यहां पे देखिए, अभी पुलिस ऑफिसर अगेन देखेगा कि ये जो 379 का ऑफेंस है, सेक्शन 379 का जो ऑफेंस है आईपीसी के अंदर, ये बेलेबल है या फिर ये नॉन बेलेबल है, बेलेबल है या फिर नॉन बेलेबल है। तो डेफिनेशन जो 2A के अंदर दी हुई है वो डेफिनेशन क्या बताती है? डेफिनेशन ज्यादा मदद नहीं करती है। डेफिनेशन ये कहती है कि ऑफेंस विच इज शोन एज बेलेबल इन द शेड्यूल और फॉर ए और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इनफोर्स, किसी भी लॉ के अंदर या फिर इस सीआरपीसी के शेड्यूल के अंदर जिन ऑफेंसेस को बेलेबल बताया गया है वो बेलेबल ऑफेंस है। और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस कौन से हैं? बाकी सारे ऑफेंसेस जो हैं वो नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं। लेकिन इस डेफिनेशन से ज्यादा कुछ मदद हमें नहीं मिल पाती है। तो हमने इसका मतलब कैसे निकाला, मतलब कैसे समझा? जब इसके साथ हम सेक्शन 436 और 437 को पढ़ते हैं तब हमें समझ में आता है कि एक्चुअल में इसका मतलब क्या है। वो पढ़ने की अभी जरूरत नहीं है, मैंने आपको अभी क्रक्स बता दिया। अब देखिए, पता कहां से चलेगा अल्टीमेटली ये ऑफेंस बेलेबल या नॉन बेलेबल? जाना पड़ेगा शेड्यूल को देखने के लिए, वहां पे झांकना पड़ेगा। वहां हमने झांका तो पता चला ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। ये क्या है? नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अब नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो ये व्यक्ति यहां पे पड़ा रहेगा और फ्यूचर की क्लासेस में आप पढ़ेंगे कि इसको कोर्ट के सामने ले जाना है 24 घंटे के अंदर, फिर कोर्ट इसको रिमांड पे भेजेगा या इधर पुलिस कस्टडी में भेजेगा या फिर जुडिशियल कस्टडी में भेजेगा और ये प्रोसेस चलता रहेगा, इंक्वायरी का होगा, ट्रायल का प्रोसेस होगा, ये सारी चीजें होंगी। अब इन बिटवीन देखिए, यहां पे जब ये व्यक्ति जेल के अंदर है, इसको कोर्ट के अंदर भेजा गया या जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया, वो सारी चीजें हो गई। यहां पे साथ ही साथ ये पुलिस ऑफिसर जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है ना, इन्वेस्टिगेशन इसकी चल रही है, और इस इन्वेस्टिगेशन के चलने के बाद, खत्म हो जाने के बाद, एट द एंड ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन, एट द एंड ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन क्या होगा? एट द एंड ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन ये कहां पहुंचा देगा, इसके किस जगह पे पहुंचेगा? ये पहुंचेगा एक रिपोर्ट बनाने पे। भाई उसका जो भी शोध था ना, इन्वेस्टिगेशन जो वो कर रहा था वो खत्म हो चुका, अब उसको कहां पहुंचना है? कंक्लूजन पे पहुंचना है। कंक्लूजन को किस नाम से जानते हैं हम? कंक्लूजन को पुलिस रिपोर्ट के नाम से जानते हैं, 2R, पुलिस रिपोर्ट, R का रिपोर्ट उठा लो। पुलिस रिपोर्ट किसमें डिफाइंड है? 2R के अंदर डिफाइंड है। और ये कहती क्या है? ये बताती है कि वो जो रिपोर्ट सबमिट की गई है ना सेक्शन 173 के सबसेक्शन 2 में, उसको हम पुलिस रिपोर्ट कहते हैं। पुलिस रिपोर्ट क्या हुई? पुलिस रिपोर्ट के अंदर ये बातें होती हैं कि पुलिस ऑफिसर ने पीछे जो इन्वेस्टिगेशन इतना सारा किया है ना,
उस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसको जो एविडेंसेस मिले, जो विटनेसेस से उसने स्टेटमेंट लिए, उसके बेसिस पे उसको क्या लगता है कि ऑफेंस हुआ है या फिर ऑफेंस नहीं हुआ है, इस कंक्लूजन को वो एक रिपोर्ट के फॉर्म में बनाता है और ये कोर्ट के अंदर में सबमिट कर देता है। किसको? कोर्ट को सबमिट कर देता है, मैजिस्ट्रेट को। आगे हमें पता चलेगा। अब ये मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे इसके आगे, मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे इसके आगे, ये जानने से पहले ये भी जानना पड़ेगा कि कौन से मैजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा, कौन से मैजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा। देखिए किस मैजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा, इसके लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि किस मैजिस्ट्रेट का लोकल ज्यूरिसडिक्शन है इस एरिया पे, किस मैजिस्ट्रेट का लोकल ज्यूरिसडिक्शन है भाई, किस मैजिस्ट्रेट का लोकल ज्यूरिसडिक्शन है यहां पे, किस मैजिस्ट्रेट का लोकल ज्यूरिसडिक्शन है, ये कैसे पता चलेगा? ये बताता है हमें एक और डेफिनेशन 2J के अंदर जब हम देखते हैं। ठीक है, आइए यहां पे ज्यूरिसडिक्शन जो लोकल ज्यूरिसडिक्शन है वो ये बताता है इन रिलेशन टू एनी कोर्ट और मैजिस्ट्रेट, इन रिलेशन टू एनी कोर्ट और मैजिस्ट्रेट जिसके अंदर वो अपनी पावर्स एक्सरसाइज कर सकते हैं, पावर्स एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो क्या होता है, वो उनके लिए लोकल एरिया या लोकल ज्यूरिसडिक्शन है, वो उनके लिए लोकल एरिया या लोकल ज्यूरिसडिक्शन है। और ये जो लोकल ज्यूरिसडिक्शन या लोकल एरिया होता है, ये लोकल एरिया कितना हो सकता है, ये लोकल एरिया किसी कोर्ट के लिए, किसी कोर्ट के लिए पूरा स्टेट भी हो सकता है, किसी कोर्ट के लिए सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, और किसी कोर्ट के लिए, किसी कोर्ट के लिए और कोई भी एरिया हो सकता है, एनी एरिया। ठीक है, तो पूरा का पूरा स्टेट भी हो सकता है लोकल ज्यूरिसडिक्शन किसी कोर्ट का। आप किसी कोर्ट को जानते हैं जिसका का पूरा का पूरा ज्यूरिसडिक्शन एक स्टेट हो? हां जी बताते चलिए। आज पूनम, देखिए जैसे आप मुझसे अभी ये क्वेश्चन पूछा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा था शुभम सर के भी सेशन में बच्चा पूछ रहा था, इन सब बातों पे आपको ध्यान नहीं देना चाहिए, आप बच्चों को ध्यान नहीं देना चाहिए, ये सब चीजें दूसरी होती हैं कंसिडरेशन। जब आप जॉब में आ जाओगे, आप लोग काम करने लगोगे, तो आपके सामने भी ऐसी परिस्थितियां आएंगी कि आप एक जगह एक ऑफिस में होंगे, फिर दूसरे ऑफिस में होंगे, इन सब बातों को आप, आपके लिए ये नहीं है बातें, आप इन सारी चीजों को छोड़ दो। आपके टीचर्स अवेलेबल हैं आपके लिए, मैं अवेलेबल हूं, चाहे आप किसी भी इंस्टीट्यूशन से एसोसिएटेड हो, आप अगर मुझसे कॉन्टेक्ट करेंगे मैं आपको रिप्लाई करूंगा, आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी इस प्रॉब्लम को अपनी क्षमता बस सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस बैनर के अंदर, किस लोगों के अंदर काम कर रहा हूं, मैं अवेलेबल हूं आपके लिए, हर बच्चे के लिए अवेलेबल हूं, चिंता मत करिए। चलिए अब देखिए लोकल एरिया की बात अगर की जाए, इसके बारे में बात की जाए, तो स्टेट कौन सा ऐसा स्टेट, कौन सा ऐसा कोर्ट है जिसके पास पूरा का पूरा स्टेट होता है ज्यूरिसडिक्शन? तो भाई हम जानते हैं हाई कोर्ट, हाई कोर्ट है अपना जिसके पास क्या है, पूरा का पूरा स्टेट एज अ ज्यूरिसडिक्शन है। इस पे अभी जाएंगे थोड़ी देर में। बाकी और कोर्ट्स होती हैं, किसी के पास पूरा डिस्ट्रिक्ट है ज्यूरिसडिक्शन के लिए, किसी के पास डिस्ट्रिक्ट से छोटा एरिया हो सकता है ज्यूरिसडिक्शन के लिए, लोकल एरिया हो सकता है, डिपेंड करता है। तब यहां पे पुलिस ऑफिसर ने पहचान लिया कि यार ये जो घटना हुई थी ना, ये क्या हुई थी, ये जो घटना हुई थी एक सिविल लाइन्स एरिया के अंदर हुई थी, सिविल लाइन्स एरिया के अंदर हुई थी, और ये हमारा जो पुलिस स्टेशन है सिविल लाइन्स, ये हमारा जो पुलिस स्टेशन है सिविल लाइन्स, ये किसके पास जाता है, ये एक मैजिस्ट्रेट साहब है, ये एक मैजिस्ट्रेट साहिबा है, असल में पूनम करके मैजिस्ट्रेट साहिबा है, इनके पास जीएमएफसी है, ये इनके पास ये एरिया है ज्यूरिसडिक्शन, इनके पास है लोकल ज्यूरिसडिक्शन, इनके पास है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब इनके पास ये रिपोर्ट सबमिट कर दी जाएगी, पुलिस ऑफिसर की ये रिपोर्ट इनके पास दे दी जाएगी। अब रिपोर्ट के बाद क्या होगा, रिपोर्ट के बाद मैजिस्ट्रेट साहिबा, क्या एग्जैक्ट वर्ड है उसको छोड़ दो साइड में, जो इन टोटल प्रोसेस है, इन टोटल जो प्रोसेस होगा वो क्या करेंगी, यहां पे देखिए इंक्वायरी करेंगे, क्या करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, और ये कहां पे है, अब ये जो इंक्वायरी इनकी होगी ना, इंक्वायरी होगी, इसका डेफिनेशन क्या दिया हुआ है, इसका मतलब क्या दिया हुआ है, ये बताया गया है इंक्वायरी का मतलब कि एवरी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल, जो भी मैजिस्ट्रेट करता है इंक्वायरी अदर देन ट्रायल उसको इंक्वायरी कहते हैं,
उसको क्या कहते हैं, इंक्वायरी कहते हैं। तो इसका मतलब ये है, इंक्वायरी का मतलब एवरी एक्शन ऑफ द कोर्ट एक्सेप्ट ट्रायल। तो एवरी एक्शन ऑफ द कोर्ट उसमें से ट्रायल को माइनस कर दो, जो बचेगा रिमेनिंग वो क्या है आपका, इंक्वायरी है। तो सब कुछ भी जो कुछ भी कोर्ट कर रही है, किसी को समन इश्यू कर रही है, कॉग्निजेंस ले रही है, कहीं पे एविडेंस रिकॉर्ड कर रही है, 164 के अंदर एविडेंस रिकॉर्ड करिए, जो भी प्रोसेस कोर्ट कर रही है, मैजिस्ट्रेट कर रहा है, अदर देन ट्रायल। ट्रायल का प्रोसेस कहां से कहां तक होता है, ट्रायल का प्रोसेस चार्ज बनाने से लेकर के जजमेंट देने तक होता है, और अगर अपील गया तो वो अपील का कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रायल हो जाता है। लेकिन ट्रायल का प्रोसेस कहां तक सीमित है, सिर्फ चार्ज बना के जजमेंट देने तक सीमित है। इसके अंदर जो होगा वो ट्रायल कहलाएगा, चार्ज बनाया, उस पर एविडेंस लिया और जजमेंट पे पहुंचे, ये ट्रायल है। इसके अलावा कोर्ट बहुत कुछ करती है, बहुत कुछ करती है, जो सीआरपीसी में आगे आपको पता चलेगा। और ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, इंक्वायरी के अंदर आती है। अब देखो यहां पे कोर्ट क्या कर लेगी, इंक्वायरी करेगी, और इंक्वायरी करने के बाद कोर्ट ने कुछ एक्शन लेना है, और एक्शन कैसा होगा, कोर्ट करेगी कोर्ट करेगी यहां पे इंक्वायरी करने के बाद ट्रायल, और ट्रायल के अंदर किस प्रोसेस का ट्रायल होगा, ये अगेन डिपेंड करता है ऑफेंसेस पे, अगेन ऑफेंस के नेचर पे डिपेंड करता है। देखिए यहां पे क्या होगा, यहां पे ये जो मैजिस्ट्रेट साहिबा हैं, ये आगे ट्रायल प्रोसीड करेंगे, ये करेंगी ट्रायल इस केस में। वो जो महिला थी उस महिला के अगेंस्ट में ट्रायल होगा, हमारी मैजिस्ट्रेट साहिबा पूनम जी हैं, वो ट्रायल करेंगी। लेकिन ट्रायल करने से पहले वो ये देखेंगी कि ट्रायल में कौन सा प्रोसेस अपनाए, ट्रायल में कौन सा प्रोसेस अपनाया जाए, आज रेड कलर की लिपस्टिक लगाई जाए या फिर मरून कलर की। मजाक कर रहा हूं, सिंपल सी बात यह है कि यहां पे समन्स ट्रायल की प्रक्रिया अपनाई जाए या फिर वॉरेंट ट्रायल की प्रक्रिया अपनाई जाए, ये भी हमें कहां से पता चलेगा, ये भी यहीं से पता चलेगा। ये बताती है डेफिनेशन के अंदर ही कि भाई देखो ऑफेंसेस अगेन दो कैटेगरी के होते हैं, एक होता है आपका 2W बताता है कि समन्स केस, क्या बताता है, समन्स केस, और 2X बताता है हमें वॉरेंट केस। ये होते क्या है, इनका सिंपल डिफरेंशिएशन ये है कि भाई 2 years तक की पनिशमेंट वाले जो ऑफेंसेस होते हैं ना, वो कैसे क्या होते हैं, वो होते हैं समन्स केस, और 2 years से अबव वाली पनिशमेंट वाले, 2 years से अबव पनिशमेंट वाली वो होते हैं वॉरेंट केस। वो कौन से केसेस होते हैं, वॉरेंट केस होते हैं। अब ये समन्स केस और वॉरेंट केस, ये जो दो तरीके के केसेस है, इनमें ट्रायल की प्रक्रिया चेंज हो जाती है। अब ये ऑफेंस कैसे पहचानेंगे, इस ऑफेंस को हम देखेंगे, ऑफेंस 379 वाला है, शेड्यूल में जाएंगे, शेड्यूल में देखेंगे कितनी पनिशमेंट दी है इसके लिए। शेड्यूल बताता है इसके लिए पनिशमेंट हो सकती है 3 years ऑफ इंप्रिजनमेंट की। तो ये ऑफेंस कैसा हुआ, समन्स केस हुआ या वॉरेंट केस हुआ, समन्स केस हुआ या वॉरेंट केस हुआ। हाँ जी मधुबाला जी, अभी इंटरप्रिटेशन की क्लास नेक्स्ट होगी तो उसके बाद हम वहां पर डिस्कस करेंगे। नितिन कॉग्निजेंस अभी बताते हैं क्या होता है। तो ये देखिए होगा आपका ये वॉरेंट केस, ये क्या है, वॉरेंट केस है आपका, और इस वॉरेंट केस के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ये हो गए ऑफेंसेस से रिलेटेड, यहां तक की बातें हो गई। अब ये ट्रायल वगैरह कंप्लीट हो जाएगा, ट्रायल वगैरह कंप्लीट हो जाएगा और सजा दे दी जाएगी। सजा दे जाने के बाद क्या होगा, इससे रिलेटेड अपील हो सकती है, अपील हो सकती है। अब यहां पे अपील करने के लिए या फिर इस पर्टिकुलर जगह पे ट्रायल कंडक्ट कराने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत पड़ती है, जिसको हम भूल रहे हैं अभी बीच में। ट्रायल कंडक्ट कराने के लिए एक गवर्नमेंट की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव होता है, जिसको हम क्या पहचानते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के नाम से पहचानते हैं। और ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या करता है, जो 2U के अंदर है, ये वो व्यक्ति है जिसको डेजिग्नेट किया गया है एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, या फिर कोई एनी अदर पर्सन हु इज एक्टिंग अंडर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है। देखिए इसको यहां से समझ लीजिए आसान तरीके में, जब ट्रायल हो रहा होगा
तो ट्रायल में ये जो हमारे विक्टिम है सुमित जी, इनके तरफ से कौन होगा? इनकी तरफ से इनको कुछ नहीं करना है, इनको बस सिंपल जाकर के वहां चेयर पे बैठना है। सारा काम कौन करेगा? सारा काम पब्लिक प्रोसिक्यूटर कर रहा होगा। यहां पे चलो एग्जैक्टली और एपीपी लिख लेते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर सारा काम कर रहा होगा, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा स्टेट को। किसको? स्टेट को, जो भी स्टेट गवर्नमेंट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। यहां पे स्टेट की तरफ से प्रोसिक्यूशन वो लेकर के आएगा। इनको क्या करना है? सुमित भाई साहब को सिर्फ बैठना है, बैठ करके तमाशा देखना और कुछ नहीं करना। दूसरी तरफ कौन होगा? ये अक्यूज पर्सन होगा, अक्यूज पर्सन होगा, और अक्यूज पर्सन की तरफ से कोई एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, कोई एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। इसको आप प्लीडर कह सकते हो, प्लीडर कह सकते हो, ठीक है? क्या कह सकते हैं? प्लीडर कह सकते हैं। जो आ करके रिप्रेजेंट करता है कोर्ट के अंदर किसी भी व्यक्ति को, उसको आप प्लीडर कह सकते हैं। तो ये व्यक्ति हमें कहां मिल जाता है? क्यू के अंदर मिल जाता है। और ये व्यक्ति हमें कहां मिल जाता है? यू के अंदर मिल जाता है। क्यू और यू, इसके अंदर ये दो व्यक्ति हमें मिल जाते हैं, ठीक है? अब इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे की कहानी क्या है? आगे मैंने आपको ये बताया कि अपील वगैरह की जा सकती है, और अपील होते होते ऐसा हो सकता है कि कहां पहुंच सकते हैं? हाई कोर्ट में पहुंच सकते हैं, हाई कोर्ट के अंदर पहुंच सकते हैं। अब कौन से हाई कोर्ट के अंदर जाएंगे, ये पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हाई कोर्ट की डेफिनेशन देखना पड़ता है। भाई भारत के अंदर बहुत सारे हाई कोर्ट हैं, 25 हाई कोर्ट हैं। अब इनमें से कौन से हाई कोर्ट के अंदर जाएं हम एग्जैक्टली, ये कैसे पता चलेगा? देखिए अगर डेफिनेशन देखा जाए तो डेफिनेशन यहां पे हमें बताती है कि हाई कोर्ट का मतलब क्या है। किसी एक स्टेट के लिए, किसी भी एक स्टेट के लिए जिस हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन उसके ऊपर है, उसको हाई कोर्ट वहां का माना जाएगा। यानी उसके सारे मैटर्स हाई को उन सा उनके लिए सारे जो मैटर्स जहां पे भी सीआरपीसी में हाई कोर्ट लिखा है, उनके लिए वही हाई कोर्ट समझा जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अभी प्रयागराज में हूं, मैं कहां हूं, किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर हूं? प्रयागराज में हूं। और प्रयागराज कहां पड़ता है? प्रयागराज पड़ता है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के पूरे स्टेट के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट को जुरिस्डिक्शन दिया गया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट। अब पूरे के पूरे स्टेट के लिए, यानी यूपी में अगर कोई बंदा है और सीआरपीसी को देख रहा है, यूपी के कॉन्टेक्स्ट में उसको अप्लाई करना है सीआरपीसी, तो जहां पे भी हाई कोर्ट लिखा होगा वो कौन सा हाई कोर्ट समझेगा? इलाहाबाद हाई कोर्ट या दिल्ली हाई कोर्ट या फिर बॉम्बे हाई कोर्ट? वो समझेगा इलाहाबाद हाई कोर्ट, क्योंकि इलाहाबाद यूपी स्टेट के लिए पूरा का पूरा इलाहाबाद हाई कोर्ट को जुरिस्डिक्शन दिया गया है। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज्यादा स्टेट्स के लिए एक ही हाई कोर्ट को जुरिस्डिक्शन दे दिया गया हो। जैसे जैसे मान लीजिए कि गोवा, महाराष्ट्र, तो अगर आप महाराष्ट्र में बैठे हैं, महाराष्ट्र स्टेट के लिए हाई कोर्ट के बारे में देख रहे हैं, तो यहां पे भी आप बॉम्बे हाई कोर्ट देखेंगे। गोवा में बैठ करके देख रहे हैं तो यहां पे भी सीआरपीसी के लिए आप बॉम्बे हाई कोर्ट को ही देखेंगे। ऐसी एक चीज यहां पे बताई गई है। इसके अलावा जैसे नॉर्थ ईस्ट में आप देखते हैं ना, गोवा हाई कोर्ट मल्टीपल स्टेट्स के लिए है, वैसे ही एक एक से ज्यादा स्टेट्स के लिए और भी हाई कोर्ट्स हो सकते हैं। तो जहां पे भी एक से ज्यादा स्टेट के लिए हाई कोर्ट होते हैं, वहां पे उन सारे स्टेट्स के लिए हाई कोर्ट का मतलब क्या है? 2EA बताता है कि वो वाला हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का मतलब उस हाई कोर्ट को आपको पढ़ना है। वैसे ही अगर मान लीजिए कि किसी हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं दिया हुआ है, तो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील जो भी है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, विद इन दैट स्टेट, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील विद इन दैट स्टेट, वो होगी इसके लिए हाई कोर्ट। वो चाहे कोई सी भी कोर्ट हो, वो हाई कोर्ट समझी जाएगी। तो ये हाई कोर्ट के बारे में बात हो गई। अब देखिए इन सारी उधेड़ बुन के अंदर हम एक व्यक्ति को तो बिल्कुल ही भूल गए, जिसको हमें सबसे पहले समझना चाहिए था, वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति है हमारा विक्टिम, हमारे सुमित भाई साहब। इनको कहां डिफाइन किया गया है? इनको WA के अंदर डिफाइन किया गया। असल में जैसे हम यहां पे भूल गए ना, वैसे सीआरपीसी बनाने वाले भी भूल गए थे। उन्होंने भी विक्टिम को पहले डिफाइन नहीं किया था, उन्होंने भी क्या किया, बाद में डिफाइन किया। जैसे हमें अभी याद आया, उनको भी बाद में याद आया, और 2005 में याद आता है, 2005 में याद आता है, 2009 में याद आता है,
हाँ जी 2009 में याद आता है, सॉरी 2009 में याद आता है, 2009 के अंदर विक्टिम को डिफाइन किया जाता है, ऐड किया जाता है अमेंडमेंट सीआरपीसी के सेक्शन 2 के अंदर, डब्ल्यू ए ऐड किया जाता है, क्योंकि ये अल्फाबेटिकली होना था इसलिए वाई के बाद इसको ऐड नहीं किया, इसको क्या किया समन और वारंट के बीच में ऐड कर दिया, क्योंकि एस और डब्ल्यू के बीच में वी आता है इसलिए इसको डाल दिया और डब्ल्यू ए यहां पे डाल दिया विक्टिम की डेफिनेशन। अच्छा विक्टिम कौन है, विक्टिम हमारे सुमित भाई साहब है, बस इनकी जो दशा है उसी के ऊपर यहाँ पे विक्टिम की डेफिनेशन बता दी गई है, जिन्होंने कोई भी लॉस या इंजरी सफर की हो, लॉस या इंजरी सफर की हो वो व्यक्ति क्या होता है, वो व्यक्ति विक्टिम होता है, जिसने कोई लॉस या इंजरी सफर की हो वो व्यक्ति विक्टिम होता है, ये विक्टिम की डेफिनेशन इसके अंदर दी हुई है डब्ल्यू ए के अंदर। और कौन इंक्लूडेड है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो विक्टिम जिसने एक्चुअली लॉस या सफर लॉस या इंजरी सफर की है वो व्यक्ति ना हो, वो मौजूद ना हो किसी कारण से, तो ऐसे में उसका कोई भी पेरेंट गार्जियन भी हो सकता है, उसका कोई भी गार्जियन पेरेंट ये लोग भी क्या हो सकते हैं विक्टिम की अंदर, विक्टिम के डेफिनेशन के अंदर आ सकते हैं, कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी विक्टिम की डेफिनेशन के अंदर आ सकता है। तो ये कहानी डेफिनेशंस के बारे में है मोटा मोटा, एक दो डेफिनेशंस और बीच में है कुछ, जैसे जुडिशियल प्रोसीडिंग, तो वो जो जुडिशियल प्रोसीडिंग यहाँ पे हो रही थी ना, यहाँ पे जो प्रोसीडिंग मैंने बताया मजिस्ट्रेट साहिबा के सामने हो रही थी, इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग। जुडिशियल प्रोसीडिंग क्यों कहते हैं इसको जुडिशियल प्रोसीडिंग, या कौन सी प्रोसीडिंग को जुडिशियल प्रोसीडिंग कहेंगे, जिस भी प्रोसीडिंग के अंदर क्या किया जा सकता है, ओथ लिया जा सकता है, जिस भी प्रोसीडिंग के अंदर ओथ लिया जा, ओथ सॉरी ओथ के अंदर एविडेंस लिया जा सकता है, एविडेंस ऑन ओथ ये हो सकता है, उस प्रोसीडिंग को जुडिशियल प्रोसीडिंग कहते हैं, उस प्रोसीडिंग को क्या कहते हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग कहते हैं हम, आई के अंदर ये डिफाइंड है, टू आई के अंदर ये डिफाइंड है जुडिशियल प्रोसीडिंग इसको कहते हैं। इसके अलावा प्लेस की डेफिनेशन है भाई, जब ये स्टार्टिंग में सुमित भाई साहब पुलिस ऑफिसर के पास पहुंचे थे ना, तो उनसे पुलिस ऑफिसर ने सबसे पहले पूछा था कि कौन सी प्लेस पे हुआ, तो उन्होंने पूछा प्लेस मतलब, तो पुलिस ऑफिसर ने बताया अरे भाई बिल्डिंग में हुआ, किसी व्हीकल में हुआ, किसी वेसल में हुआ, किसी टेंट में हुआ, किसी हाउस में हुआ, ये प्लेस होती है, किस प्लेस पे हुआ, तो बस उसी से डेफिनेशन आपकी प्लेस की बन गई है जो 2P के अंदर है, 2P के अंदर है आपकी प्लेस की डेफिनेशन, वो कहती है प्लेस इंक्लूड्स एनी बिल्डिंग, बिल्डिंग टेंट व्हीकल वेसल, ये सारी चीजें हैं जो आपके प्लेस की डेफिनेशन के अंदर आती हैं, ठीक है, हाउस बिल्डिंग टेंट व्हीकल एंड वेसल। हाँ मधुबाला जी इसका मैं आंसर आपको बता देता हूं, देखिए जैसे मधुबाला जी ने क्वेश्चन पूछा है और एक कॉग्निजेंस का क्वेश्चन था, इन दोनों के बारे में मैं अभी आंसर कर देता हूं। देखिए अब आते हैं, आई होप कि डेफिनेशन वाली सारी चीजें आपको याद हो गई हैं, आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं, और इनको एक साथ अगर आप पेयर बना ले, पुलिस के डेफिनेशन का एक पेयर, एक पेयर आपको कोर्ट के डेफिनेशन के बारे में, एक पेयर ऑफेंसेस के डेफिनेशन के बारे में, आपको सब कुछ याद हो जाएगा, और इसके अलावा कुछ सीआरपीसी के डेफिनेशन के अंदर बचा नहीं है, एक टू वाई बचा है ट्रांसपोर्टेशन का, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूं। जैसे मधुबाला जी ने पूछा, हाँ मधुबाला जी ने पूछा कि नाम तो डिस्ट्रिक्ट बदल के प्रयागराज हो गया है, तो इसको इलाहाबाद हाई कोर्ट क्यों कहते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट क्यों कहते हैं इसको, इसको प्रयागराज हाई कोर्ट क्यों नहीं कहते हैं? भाई देखो जो नाम बदला है ना वो डिस्ट्रिक्ट का बदला है, इस जगह का नाम बदला है, लेकिन जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट आज भी वही है, और ये हाई कोर्ट का नाम बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको स्पेसिफिकली लॉ बना करके हाई कोर्ट का नाम बदलना पड़ेगा। हाई कोर्ट ये कैसे एस्टैब्लिश हुआ था, ये हाई कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ था इंडिपेंडेंस और कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सालों पहले, बहुत सालों पहले ये हाई कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ था, इन द ईयर 1872 आई गेस, अगर मुझे सही से याद आ रहा है तो, और उसका नाम बदलने के लिए आपको स्पेसिफिकली एक लॉ बना करके हाई कोर्ट का नाम बदलना पड़ेगा, जो कि आई थिंक कि पॉसिबल नहीं है,
इवन आप देखते हो कि बॉम्बे हाई कोर्ट है, बुलाया उसको मुंबई जाता है जगह को, लेकिन हाई कोर्ट का नाम तो बॉम्बे हाई कोर्ट ही है। हाई कोर्ट्स के नाम जो है वो चेंज नहीं होते हैं एज सच, हाई कोर्ट्स के नाम वो एज सच इस तरीके से चेंज नहीं हो सकते, आपको जगह के नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाई कोर्ट हाई कोर्ट की बेंचेस भी आप देखते हो कि दूसरी जगह होता है, लखनऊ के अंदर बेंच होती है तो उसको लखनऊ हाई कोर्ट क्यों नहीं कहते हैं, रहता वो हाई कोर्ट ही है, उसकी बेंचेस और जगह हो सकती हैं। तो नाम का रिलेशन एक डिस्ट्रिक्ट में, जिस डिस्ट्रिक्ट में उसकी बिल्डिंग है उससे कोई कनेक्शन रिलेशन नहीं है, उसको किस नाम से एस्टैब्लिश किया गया था उससे उसका रिलेशन है। और ये हिस्टोरिकली आप पीछे देखेंगे हाई कोर्ट्स के चार्टर जो 1861 से स्टार्ट हुआ, कलकत्ता हाई कोर्ट, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, लेटर ऑन बाकी पटना, इलाहाबाद, ये सारे हाई कोर्ट जब धीरे धीरे बनने लगे, लाहौर हाई कोर्ट, तो ये किस किस तरीके से किस किस लॉ के अंदर बने ये आपको समझना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली इनका नाम क्यों चेंज नहीं हो रहा है। एक बात ये हो गई मधुबाला जी। चलिए आगे देखते हैं, कॉग्निजेंस के बारे में एक प्रश्न पूछा गया था, चलिए कॉग्निजेंस के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया था, कॉग्निजेंस के बारे में मैं आपको बता देता हूं ये भाई कॉग्निजेंस क्या होता है। तो देखो कॉग्निजेंस का सिंपल मतलब होता है अपनी नॉलेज में ले लेना, अपनी नॉलेज में ले लेना, और नॉलेज में लेने का मतलब क्या होता है कि नाउ यू आर गोइंग टू एक्ट अपॉन दिस थिंग, ये जो इंफॉर्मेशन है इस इंफॉर्मेशन को लेकर के बस बैठना आपने नहीं है, अब इंफॉर्मेशन के ऊपर एक्ट करना जरूरी है। जब आप इसको एक्ट करने के पर्पस से किसी इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में लेते हो, नॉलेज के अंदर लेते हो, उस नॉलेज लेने को कॉग्निजेंस कहा जाता है। कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में ये क्या है, कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में ये है कि जब मैजिस्ट्रेट किसी ऑफेंस का, मैजिस्ट्रेट क्या करता है किसी ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले लेता है, यानी ऑफेंस को अपने नॉलेज में ले लेता है, तब मैजिस्ट्रेट कुछ एक्शन करता है सीआरपीसी के अंदर जो बताए हुए हैं, उन एक्शंस के अंदर क्या होगा आगे कभी हम अगर डिस्कस कर रहे होंगे तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप कि शॉर्ट में आपको कॉग्निजेंस का मतलब समझ में आ गया होगा। नितिन आज अभी इनफैक्ट क्लास में मैं अपने बच्चों को बता रहा था, इनफैक्ट 190 अभी मुझे पढ़ाना है आगे की क्लास के अंदर, तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था, आपको भी दे देता हूं कि मान लो नितिन आपको कहां जाना है, आपको जाना है गोवा, और नितिन ने गोवा जाने के लिए अपने घर में परमिशन मांगी। अब नितिन को जाना गोवा कब है, नितिन ने कहा कि भाई मुझे गोवा जाना है जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा इन सिविल जज एग्जामिनेशन। अच्छा अभी परमिशन अगर मांगोगे कि मुझे गोवा जाना है, लेकिन गोवा कब जाऊंगा मैं, जब मेरा सिविल जज का एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा, तो अभी परमिशन आपको डिनाई होगी, मिलेगी, या फिर इनमें से कुछ नहीं होगा, ये बताइए। हाँ जी नितिन, मेरे हिसाब से तो अभी इस बात पे कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा, आपके घर वाले इस पे कोई एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि उनका सोचना ये होगा कि भाई देखो आपको गोवा जाना या ना जाना ये तो तब होगा ना कि जब आप जज बन जाओगे। अब फ्यूचर की डेट में जब आप जज बन जाते हैं, जब आप एक्चुअली जज बन जाते हैं, और जब आपके घर वाले ये डिसीजन लेने के लिए इस बात को सोचते हैं कि क्या अब आपको जाने दिया जाए गोवा या नहीं दिया जाने दिया जाए, उस समय असल में वो आपके इस क्वेश्चन को अपने दिमाग में बिठा रहे होंगे, उस समय वो इस बात का कॉग्निजेंस ले रहे होंगे कि क्या आप गोवा जा सकते हैं या गोवा नहीं जा सकते हैं, उससे पहले कॉग्निजेंस नहीं लिया गया है, वही कोर्ट के साथ होता है। कोर्ट के सामने हो सकता है कि ये ऑफेंस की सूचना घटना आ चुकी हो, कई बार आ चुकी हो, अलग अलग रूप में आ चुकी हो, कभी ऑकरेंस रिपोर्ट के रूप में आ चुकी हो, कभी न्यूज़पेपर से आ चुकी हो, कभी मैजिस्ट्रेट ने देखा ही हो अपनी आंखों से होते हुए, लेकिन ये इन चीजों पे वो कुछ नहीं करने वाला जब तक कि वो कॉग्निजेंस ना ले ले। कॉग्निजेंस ले लेगा, अब उसके बाद सीआरपीसी के अंदर वो कुछ करना स्टार्ट करेगा। क्या करेगा कभी पढ़ेंगे आगे। हाँ जी चलिए तो इतनी बातें थी आपसे करने के लिए, आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक कर देना इस वीडियो को। चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन में, थैंक यू सो मच गाइज।
बाय बाय।